का नाम न्यूक्लियस, राइट। न्यूक्लियस में जो कुछ भी होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियॉन। न्यूक्लियस में जो कुछ भी होता है उसको न्यूक्लियॉन बोलते हैं। और न्यूक्लियॉन में दो चीजें आती हैं, कौन कौन सी? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। दोनों के मासेज ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं, राइट। नाउ पहले तो क्योंकि हम न्यूक्लियॉन्स में डील कर रहे हैं, न्यूक्लियॉन्स में डील कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन ए स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर यूनिट। लाइक जैसे एक न्यूट्रॉन का मास क्या है या एक प्रोटॉन का मास क्या है, करेक्ट। सो अकॉर्डिंगली वी हैव एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट यू से यूजुअली डिनोट करते हैं, ए एम यू से भी डिनोट करते हैं और यू से भी डिनोट करते हैं। वन बाई ट्वेल्व ऑफ मास ऑफ C12, जो कार्बन एटम है, उसके जो मास है उसका 1/12, राइट। सो देन 1U इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10^-27 kg। यू इज वॉट? यूनिफाइड मास भी बोलते हैं। मास ऑफ प्रोटोन जो होता है दैट इज 1.00727U, 1.00727U। और मास ऑफ न्यूट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा होता है दैट इज 1.00866U। इनको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड यू कैन से नियरली दैट इज इक्वल टू 1.66, इट इज नियरली इक्वल टू 1U। बट यहां पे इतना डिफरेंस भी मैटर करता है, न्यूक्लियस में जो मास में है इतना डिफरेंस भी मैटर करता है, क्योंकि अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मास क्रिएट अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रिएट करता है, राइट। न्यूक्लियस कंसिस्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। Represented by ZXA, right? जैसे ऑक्सीजन के लिए क्या होगा? 8O16। ऑक्सीजन इज व्हाट? नाइट्रोजन 8O16, 7N14, राइट। इस तरह से हम लिखते हैं वेयर जेड इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कॉल्ड एटॉमिक नंबर। And A is number of nucleons, that is sum of proton and neutron, called mass number. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल कितने हो जाएंगे?
ए माइनस जेड, जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे दैट विल बी ए माइनस जेड. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड इज कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस में दो ही होते हैं, एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, राइट. जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन दैट इज कॉल्ड मास नंबर, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं ए माइनस जेड, राइट. ये जनरल इन्फॉर्मेटिव पार्ट जो कि मेरे ख्याल से आप लोगों को पहले से पता था, राइट. नाउ अब पढ़ते आगे. साइज ऑफ न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज क्यूब रूट इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर. न्यूक्लियस कितना बड़ा होगा या छोटा होगा ये डिपेंड करता है डेफिनेटली हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर. जितने न्यूक्लियॉन्स होंगे उसके हिसाब से डिपेंड करेगा बड़ा होगा या छोटा होगा. और कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, मास नंबर से. सो इट इज क्यूब रूट ऑफ मास नंबर, राइट. दैट इज आर प्रोपोर्शनल टू ए टू द पावर 1/3 एंड आर इज इक्वल टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 वेयर आर नॉट इज कॉन्स्टेंट एंड आर नॉट इज इक्वल टू 1.2 फर्मी या मीटर में लिखेंगे तो 10^-15 मीटर. क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही न्यूक्लियॉन होता है तो हाइड्रोजन न्यूक्लियस का साइज किसके बराबर होगा, आर नॉट के बराबर. ए की वैल्यू 1 रखेंगे तो आर इज इक्वल टू आर नॉट. सो आर नॉट इज बेसिकली द बेसिक यूनिट लाइक व्हेन देयर इज 1 न्यूक्लियॉन. सो दैट इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम, राइट. नाउ डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस, इफ मास ऑफ ईच न्यूक्लियॉन, अगर हर एक न्यूक्लियॉन का मास देखें, अगर मास हर एक न्यूक्लियॉन का एम है, तो टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस कितना हो गया, एक न्यूक्लियॉन का मास इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स. नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कितने, एक. एक न्यूक्लियॉन का मास स्मॉल m, तो टोटल मास m इंटू ए. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, डेंसिटी निकालनी है तो हमें मास और वॉल्यूम चाहिए ना. वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस v इज इक्वल टू 4/3 πr³, बट r इज इक्वल टू कितना, आर नॉट. आर नॉट ए टू द पावर 1/3 का क्यूब. सो दिस विल बिकम 4/3 πr³ ए, राइट. आपके पास मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, तो डेंसिटी आ जाएगी. कैसे, डिवाइड कर देंगे तो डेंसिटी आ जाएगी. राइट. सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम एंड दिस कम्स आउट एज
डेंसिटी के लिए रो सिंबल यूज करते हैं, दैट इज मासेस एम ए अपॉन 4/3 पाई आर नॉट क्यूब ए। इसमें ए ए तो कैंसिल हो गया, सो डेंसिटी इज 3m अपॉन 4π आर नॉट क्यूब। इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ऑल आर कॉन्स्टेंट, सारे कॉन्स्टेंट है। तो इन सब की वैल्यू हमें मालूम है, मास ऑफ न्यूक्लियन कितना 1.66, आर नॉट हमें मालूम है 1.2 फर्मी। तो इससे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो वी फाइंड इट इज 2.3 इंटू 10^17 kg पर मीटर क्यूब, 2.3 इंटू 10^17 kg पर मीटर क्यूब। व्हाट डज इट मींस? डेंसिटी ऑफ ईच एंड एवरी न्यूक्लियस इज सेम, चाहे वो कितना ही बड़ा न्यूक्लियस है और चाहे वो कितना ही छोटा न्यूक्लियस है, डेंसिटी सेम है। डेंसिटी सेम है, साथ साथ बहुत हाई है। नॉर्मल मैटर की डेंसिटी कितनी होती है? अगर हम वाटर की डेंसिटी की बात करें तो 10^3, ठीक है, नॉर्मल वाटर की डेंसिटी 10^3। अगर हम मरकरी की डेंसिटी जो कि हैवीएस्ट मेटल है वो बात करें तो 13.6 × 10^3 यानी 10^4। तो जनरल मैटर की डेंसिटी 10^3 से 10^4 की रेंज में होती है, तो ये 10^13 to 10^14 टाइम्स ग्रेटर है। तो इसलिए न्यूक्लियस बहुत डेंस होता है, बहुत ही डेंस, राइट? इसीलिए तो जो एटम का मैक्सिमम स्पेस है वो वैकेंट है, क्योंकि न्यूक्लियस की डेंसिटी 10^17 और जनरल सब्सटेंस की डेंसिटी 10^3, 10^4। तो बाकी का पार्ट कहाँ गया? बाकी का वॉल्यूम खाली है इसका मतलब, राइट? सो डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, यानी कितने न्यूक्लियस है उस पर डिपेंड नहीं करता। सेकेंड, डेंसिटी इज वेरी हाई, दैट इज 10^13 to 10^14 टाइम्स ऑफ जनरल मैटर। टेन टू द पावर थर्टीन टाइम्स ऑफ जनरल मैटर, जो कि काफी हाई डेंसिटी हो जाती है। ओके, राइट। मास एनर्जी रिलेशन, यूनिवर्स कंसिस्ट मैटर एंड रेडिएशन, मैटर एंड रेडिएशन, रेडिएशन इज बेसिकली एनर्जी, विच आर इंटरकन्वर्टिबल, मीन्स मैटर कैन कन्वर्ट इंटू एनर्जी एंड एनर्जी कन्वर्ट इंटू एनर्जी कैन कन्वर्ट इंटू मैटर, राइट? अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, according to Einstein relation, energy equivalent to m amount of mass is E is equal to mc square.
ठीक है, m अमाउंट ऑफ मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी, एम सी स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ वन यू मास, बहुत बार पूछे जाता है ये क्वेश्चन। एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ वन यू मास, ठीक है, तो ई इज इक्वल टू वन यू, वन यू को अगर हम केजी में रखते हैं तो ये होता है 1.660539 × 10⁻²⁷ केजी, एंड सी इज 3 × 10⁸ स्क्वायर। ठीक है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 1.4924 × 10⁻¹⁰ जूल। एंड इसको जब हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं तो ये आता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। सो क्योंकि वन यू स्मॉल यूनिट है और इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑल्सो स्मॉल यूनिट है, तो हम जनरली जो कन्वर्जन करते हैं वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करते हैं, राइट। तो वन यू मास इज इक्विवेलेंट टू, इक्विवेलेंट नॉट इक्वल, इक्वल नहीं लिखना, फिजिक्स में दो डिफरेंट यूनिट्स कभी इक्वल नहीं होती, इक्विवेलेंट होती है। तो वन यू मास इज इक्विवेलेंट टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी। ठीक है, यहां तक कुछ पूछना है किसी को? नहीं। ना न्यूक्लियर फोर्सेस, आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स, कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में, दैट इज बिटवीन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन न्यूट्रॉन, राइट। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है ना, पढ़ा है। राइट, इनकी प्रॉपर्टीज, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज हमने ये पढ़ा है। न्यूक्लियर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस, बट न्यूक्लियर फोर्सेस समटाइम्स रिपल्सिव भी हो जाती है, राइट। दीज फोर्सेस आर अट्रैक्टिव फॉर distance greater than 0.8 Fermi between nucleon, for distance lesser than this
दीज बिकम रिपल्सिव. राइट. ओके, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये फोर्सेस जीरो होती है. दैट इज व्हाट डिस्टेंस, 0.8 फर्मी. उससे ज्यादा होता है तो दे बिकम अट्रैक्टिव, उससे कम होता है तो दे बिकम रिपल्सिव. राइट. तो अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ विल बी लाइक दिस. एंड दिस इज 0.8 फर्मी. ये डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, पॉजिटिव फोर्स फॉर रिपल्शन एंड नेगेटिव फोर्स फॉर अट्रैक्शन. राइट. और इसमें पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करें तो दैट ग्राफ विल बी लाइक दिस. दिस इज पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट नॉर्मल डिस्टेंस. दैट इज व्हाट 0.8 फर्मी. These are much stronger than electric forces. That is why nucleons are bound together even after electrostatic repulsion among them. देखो अगर प्रोटॉन प्रोटॉन है तो दोनों पॉजिटिव है. दोनों पॉजिटिव हैं तो उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन को भी ओवरकम कर लेते हैं. ठीक है, तो इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती है ये. राइट. दीज फोर्सेस आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस. So they shows saturation property. That is, a nucleon interact with close neighbor. क्योंकि शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती है तो बहुत दूर तक इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं होता, तो जो क्लोजली क्लोज न्यूक्लियॉन्स है उनमें आपस में इंटरैक्शन होता है. राइट. हो गया. हो गया बच्चों. नाउ मास
डिफेक्ट, मास डिफेक्ट क्या है? अगर हम एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन को आइसोलेटेड स्टेट में देखें तो उसका मास ज्यादा होता है, और जब वो बाउंड हो जाते हैं तो उनका मास कम हो जाता है। तो आइसोलेटेड स्टेट का मास बाउंड स्टेट से ज्यादा होता है, तो ये जो डिफरेंस ऑफ मास है इसको हम मास डिफेक्ट बोलते हैं, राइट? मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन आइसोलेटेड स्टेट इज मोर देन बाउंड स्टेट एज न्यूक्लियस। दिस डिफरेंस ऑफ मास इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। Right. If mass of proton is mp, mass of neutron is mn, and mass of nucleus is m, then for a nucleus, ZXA delta M, mass defect कितना होगा? Z into mass of proton, that is the total mass of protons. Total number of neutrons कितने? A minus Z, mass of neutron. तो ये हो गया मास इन आइसोलेटेड स्टेट। दिस इज व्हाट मास इन आइसोलेटेड स्टेट माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज व्हाट द बाउंड स्टेट मास, राइट? तो ये होता है मास डिफेक्ट, और एक्चुअली यही मास डिफेक्ट है न्यूक्लियस के बाउंड होने का रीजन। न्यूक्लियस में न्यूक्लियंस जो बाउंड है उसका रीजन यही है। देखो, कोई भी चीज अगर कभी बाउंड होती है, दैट्स अ सिंपल फिजिक्स रूल, तो उसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। लाइक अगर हम बात करें ना टोटल अर्थ की एनर्जी, दैट इज नेगेटिव, क्योंकि सब कुछ बाउंड है, राइट? नेगेटिव है। अगर सपोज हमको यहां से ऊपर स्पेस में जाना है ना, तो एनर्जी देनी पड़ेगी, और जब हम स्पेस में पहुंचेंगे तो एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो मींस राइट नाउ आवर एनर्जी इज नेगेटिव। सो दैट इज जनरल रूल है कि अगर कुछ भी बाउंड स्टेट में है उसकी एनर्जी नेगेटिव है। तो वो एनर्जी कहां गई? ठीक है, वो ये जो मास में चेंज हुआ ये एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल गया, राइट? जो ये मास में चेंज हुआ एनर्जी में कन्वर्ट होके निकल गया, तो ओवरऑल नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई, एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज, ये मास से जितनी एनर्जी क्रिएट होगी दैट इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी, राइट? अब हमें न्यूक्लियस से न्यूक्लियन को निकालने में काम करना पड़ेगा। वो जो न्यूक्लियस को निकालने में काम करेंगे वो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाएगी, और अकॉर्डिंगली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बढ़ जाएगा। तो इसलिए आइसोलेटेड स्टेट में मास ज्यादा होता है, बाउंड स्टेट में मास कम होता है, राइट? दिस टॉपिक एज पर द सिलेबस, नॉट इन सिलेबस, बट आई थिंक वी शुड स्टडी दैट। That is binding energy of nucleus. Is the amount of energy required
is the amount of energy required to move all the nucleons far apart. ठीक है, मैथमेटिकली इट इज इक्वल टू एनर्जी प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मास डिफेक्ट. Right. So binding energy is equal to delta mc square. Delta m is what? Mass defect. Okay. Or binding energy is equal to zmp plus A minus Z M N minus mass of nucleus into C square. Binding energy per nucleon binding energy upon mass number, right? ये जो binding energy per nucleon है, ये basically एक parameter है जो nucleus की stability को define करता है. Greater the binding energy per nucleon, more stable the nucleus. जितनी binding energy per nucleon ज़्यादा होती है, उतना nucleus stable होता है. Greater the binding energy per nucleon, more stable is nucleus. Okay. Binding energy versus mass number graph. Binding energy versus mass number graph. A graph draw kiya for the binding energy versus mass number. Right? This is the graph. ठीक है, ये ग्राफ है बाइंडिंग एनर्जी वर्सेस मास नंबर एंड इट इज रिप्रेजेंटिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, अगर हम ग्राफ को थोड़ा सा देखें तो इट इज लाइक दिस. ऐसे एक बिल्कुल स्मूथ सा ग्राफ है ऐसे करके, बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस आ गए, राइट? What these exceptions are? Helium, carbon, oxygen. So these exceptions are showing that these nucleus are more stable than their neighbor. जो ये अगर हम देखें तो helium को यहां होना चाहिए था, अगर graphically चले, oxygen को यहां होना चाहिए था,
सॉरी कार्बन को यहाँ होना चाहिए था, ऑक्सीजन को यहाँ होना चाहिए था, बट देयर बाइंडिंग एनर्जी इज मोर देन देयर नेबर, सो दीज आर कॉल्ड स्टेबल न्यूक्लियस, इनको हम स्टेबल न्यूक्लियस बोलते हैं, राइट। Fe इज हाइएस्ट, राइट, एंड दैट इट इज 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर हम बात करें इस जोन में, दिस इज समवेयर ये लाइन में 8 and above 8, तो ये पोर्शन आया है ना, ये पोर्शन, ये स्टेबल जोन है, ये स्टेबल जोन है, इसमें आता है 30 to 170 मास नंबर, सो द न्यूक्लियस ऑफ 30 to 170 मास नंबर आर स्टेबल, इससे कम भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, इससे ज्यादा भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बहुत कम है, तो क्या होता है इस पोर्शन में फीजन होता है, इस पोर्शन में फीजन होता है, ठीक है। व्हाट हैपेंस, ये जो न्यूक्लियस है ये डिसइंटीग्रेट होते हैं, एक न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होकर दो पार्ट में कन्वर्ट होता है और वो हायर बाइंडिंग एनर्जी जोन में आ जाता है, राइट, और जितना डिफरेंस ऑफ एनर्जी है वो रिलीज हो जाता है, इसलिए फीजन में एनर्जी रिलीज होती है। द सेम हैपेंस, ये वाला जोन आता है फ्यूजन में, क्या होता है दो छोटे न्यूक्लियस मिलके एक बड़ा न्यूक्लियस बनाते हैं एंड देन दे कम इनटू द स्टेबल जोन, वो स्टेबल जोन में आ जाते हैं, ठीक है। तो स्टेबिलिटी मींस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हम जब भी लो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से हाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन में जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, दैट्स वाई फ्यूजन एंड फ्यूजन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो वन ऑफ द फेनोमेना यू वुड हैव स्टडीड अबाउट रेडियो एक्टिविटी, दिस इज ऑल्सो ए डिसइंटीग्रेशन, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं एलिमेंट डिसइंटीग्रेट करते रहते हैं क्योंकि वो उनसे एमिशन होता रहता है बिकॉज वो अनस्टेबल होते हैं, सो दे कीप ऑन एमिटिंग टिल दे बिकम स्टेबल। फर्स्ट फॉर ए ग्रेटर देन 30 लेस देन 170 माइनिंग एनर्जी इज almost is almost constant, with maximum 8.75 MeV for Fe56, right? If a nucleus of A greater than 170 breaks in two part then energy is released in process. Fission process. If two nucleus of A less than 30 combine then product is in high binding energy, then product is in high binding energy and energy is released in process. And which process is it? Fusion process.
राइट right? अल्फा डीके राइट अल्फा पार्टिकल इज हीलियम न्यूक्लियस टू एच ई फोर If a nucleus emit alpha particle its mass number decreases by 4 and atomic number increases by 1, 4, 2 an atomic number decrease by 2 that is ZXA alpha emission this is Z minus 2 Y A minus 4 plus 2 He 4 plus Q the Q is energy energy released during the process energy released in process q is equal to mass of x minus mass of y minus mass of he into C square. Y nucleus, X nucleus, Y nucleus, H nucleus. ठीक है ना? Mass of X nucleus minus mass of Y nucleus minus mass of helium nucleus into C square. That is what energy released in the process. ये वाई ठीक है हो गया बच्चों बीटा डीके अ बीटा पार्टिकल इज इक्विवेलेंट टू इलेक्ट्रॉन राइट Two types of beta particle are beta negative electron and square silicon electron and beta positive. Called as positron. ठीक है, अ बीटा पॉजिटिव पार्टिकल या एक पॉजिट्रॉन दैट इज एज गुड एज इलेक्ट्रॉन विद पॉजिटिव चार्ज राइट अ न्यूट्रॉन on disintegration emit beta negative while a proton
ऑन डिसइंटीग्रेशन एमिट बीटा पॉजिटिव. ठीक है, दैट इज न्यूट्रॉन कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो. एंटी न्यूट्रिनो हमेशा बीटा एमिशन के साथ एक एंटी न्यूट्रिनो अटैच होता है. दिस इज वेरी मच लाइक द एनर्जी पैकेट, जैसे वो होता है फोटोन, राइट. और ये एनर्जी बैलेंसिंग करने के लिए होता है. देन सिमिलरली जब प्रोटॉन डिसइंटीग्रेट होता है तो इट गेट कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन प्लस अ पॉजिट्रॉन प्लस अ न्यूट्रिनो. तो एक न्यूट्रिनो एक एंटी न्यूट्रिनो. ठीक है, एंड लास्ट गामा डीके. When a nucleus is in excited state, when a nucleus is in excited state, it makes transition to lower energy state. May releasing गामा रेज. क्या होता है, जब भी हम न्यूक्लियस में डिसइंटीग्रेशन होता है तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है. तो वहां से वो लोअर स्टेट पे जब आता है तो एनर्जी रिलीज करता है. दैट एनर्जी इज रिलीज इन द फॉर्म ऑफ गामा डिकेज, राइट. CO60 इससे एक बीटा नेगेटिव निकलेगा तो ये बनेगा 28 Ni60. फिर ये एनर्जी रिलीज करेगा दो बार एंड दैट विल बी 2860 Ni. बट ये एक्साइटेड है और ये ग्राउंड स्टेट है. Excited state and ground state. ये 1.17 MeV एंड ये 1.33 MeV. दो गामा रेज प्रोड्यूस होती है.